आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश में एग्जिट पोल पर मचा घमासान। विपक्ष ने एग्जिट पोल को बताया गॉसिप्स, कहा परिणाम कुछ और आएंगे। एग्जिट पोल ने गर्म किया शेयर बाजार, 10 साल बाद शेयर बाजार में सबसे बड़ी तेजी। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कांग्रेस सरकार अपने आप गिर जाएगी। कांग्रेस नेता दीपक बावरिया का बयान, अमित शाह जोड़ तोड़ की राजनीति के एक्सपर्ट। और इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या, शिवराज ने कहा एमपी को बंगाल बनाना चाहती है कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2019 के सभी सातों चरण के मतदान खत्म होते ही विभिन्न टीवी चैनलों पर आए एग्जिट पोल में मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से देश में एनडीए की सरकार बनती दिखाई गई है। एग्जिट पोल्स के आने के बाद से ही कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों में हलचल मच गई है। इन सभी दलों ने एग्जिट पोल्स को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि 23 मई को नतीजे कुछ और होंगे। एग्जिट पोल्स को दिल्ली कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र कोचर का कहना है कि यह बहुत जल्दी है, नतीजे तो 23 को आएंगे, तब देखेंगे। कोचर ने गत 2004 के एग्जिट पोल का हवाला देते हुए कहा कि उस समय भी भाजपा इंडिया शाइनिंग कर रही थी, एग्जिट पोल भी भाजपा को जिता रही थी, लेकिन हुआ क्या, एग्जिट पोल को धता बताते हुए कांग्रेस ने सरकार बनाई। इस बार भी ऐसा ही होगा। एग्जिट पोल पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि यह सिर्फ भ्रमित करने वाला है, दिल्ली की सातों सीटें हम जीत रहे हैं। एग्जिट पोल में फिर से एनडीए की सरकार बनने का अनुमान लगाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सभी एग्जिट पोल गलत नहीं हो सकते, लेकिन वह 23 मई का इंतजार करेंगे। तृणमूल प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को गॉसिप करार देते हुए कहा कि उन्हें जनादेश पर विश्वास है। ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि एग्जिट पोल के नतीजे किस तरह धराशायी हुए हैं। देश के मतदाता समझदार हैं, वे अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, और इस वजह से आप किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा बोले कि एग्जिट पोल के आंकड़ों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुशासन को अपना समर्थन दिया है। यह गाली देने का और मिथ्या आरोप लगाने वाले विपक्ष पर जोरदार तमाचा है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद आए एग्जिट पोल्स में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने की संभावनाओं से जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल है, वहीं शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी नजर आई है। एग्जिट पोल के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन में प्री ओपनिंग सेशन में शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी नजर आई है। एग्जिट पोल्स की उम्मीदों का भारतीय शेयर बाजार पर सीधा असर नजर आया है, और सुबह 9 बजे के आसपास प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स जहां 897 अंक ऊपर चढ़कर 38,774 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया है। वहीं निफ्टी 244 अंकों की तेजी के साथ 11,651 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। हालांकि जब बाजार खुला तो यह तेजी कम हुई और सेंसेक्स जहां 708 अंकों की तेजी के साथ 38,622 के स्तर पर नजर आ रहा था, वहीं निफ्टी 2004 अंक चढ़कर 11,616 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। अगर रुपए की बात करें तो डॉलर के मुकाबले इसमें भी 79 पैसे की तेजी नजर आई है।
बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स फिलहाल 1355 अंक चढ़कर 39,286 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं एनएसआई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 395 अंक उछलकर 11,802 के स्तर पर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेंसेक्स और निफ्टी में यह 10 साल की सबसे बड़ी तेजी है। अगले कुछ दिनों में शेयर बाजार में 2 से 3% की तेजी आने की उम्मीद है। मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी का कहना है कि एग्जिट पोल के आंकड़े और मोदी सरकार के फिर से सत्ता में लौटने की उम्मीद से बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। अगली खबर राजनीति से है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के एक बयान ने प्रदेश की सियासत में हड़कंप ला दिया है। गोपाल भार्गव का कहना है कि वे कई मुद्दों पर बात करने के लिए राज्यपाल को पत्र भेजकर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हॉर्स ट्रेडिंग में भरोसा नहीं करते, कांग्रेस सरकार खुद ही गिर जाएगी। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी का हाल सूत ना कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा जैसा है। लोकसभा चुनाव को लेकर आए विभिन्न एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को मिलती बढ़त से एमपी के बीजेपी नेता काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 2 से 3% मिल रही हैं। इसका अर्थ साफ है कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर से जनता का भरोसा उठ गया है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इसी वजह से राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि इसी सत्र में प्रदेश की कांग्रेस सरकार का शक्ति परीक्षण भी हो जाएगा। भाजपा का दावा है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 23 के रिजल्ट आने के बाद इस सरकार के प्रतिकूल यदि परिणाम आते, इस पार्टी के प्रतिकूल परिणाम आते हैं, तो हम सभी लोगों का राजनीतिक कर्तव्य दायित्व तो है कि हम समय रहते हुए उसका परीक्षण करवाएं, क्योंकि विलंब होने से तो प्रदेश को और ज्यादा नुकसान होगा। भार्गव के राज्यपाल को पत्र लिखे जाने के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को नसीहत दी और कहा कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का न सोचे। गोपाल भार्गव, आप बड़ी मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष बन पाए हैं, अब विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाइए। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ सारे विधायक चट्टान की तरह खड़े हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत है, सूत न कपास जुलाह में लठा लठी। अब एग्जिट पोल आए हैं, 23 तारीख को निर्णय का इंतजार नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के नेता और खासकर के नेता प्रतिपक्ष अब इस बार प्रस्ताव की बात करने लगे। मैं नेता प्रतिपक्ष जी से कहना चाहूंगा कि उनको लंबा अनुभव है विपक्ष में रहने का। गोपाल भार्गव जी जब सरकार कांग्रेस युवा करती थी और ये विपक्ष में बैठते थे, उस समय नेता प्रतिपक्ष बनने की बहुत ज्यादा इच्छा थी, लेकिन उस समय गौर साहब बन गए, सेजवार जी बन गए। तो अब अच्छा समय आपको मिला है, विपक्ष का आपको अनुभव है, विपक्ष के अनुभव के नाते नेता प्रतिपक्ष की भूमिका आप निभाएं, सरकार को अविश्वास लाने के चक्कर में ना पड़ें, सरकार गिराने की बात ना करें। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस के पास 114 और भाजपा के पास 109, बसपा के पास 2, समाजवादी पार्टी के पास 1 विधायक है। मध्य प्रदेश में 4 निर्दलीय विधायक भी हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बसपा और सपा और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। यह पहली बार नहीं है जब भाजपा ने कमलनाथ सरकार पर ऐसा निशाना साधा हो। रविवार को इंदौर में वोट देने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने भी यह कहा था कि 22 सीटों का सपना देखने वाले कमलनाथ 22 दिन तक सीएम रहेंगे भी या नहीं, इस बात पर प्रश्न चिन्ह है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का कहना है एग्जिट पोल पहले भी फेल हुए हैं। उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए और अमित शाह को जोड़ तोड़ की राजनीति का एक्सपर्ट बताया। कांग्रेस नेता दीपक बावरिया को एग्जिट पोल फेल नजर आ रहे हैं। बावरिया ने चुनाव आयोग और ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि पहले भी लाखों ईवीएम गायब हो चुकी, आज तक उनका पता नहीं चला है। ईवीएम में भी काफी कुछ गड़बड़ी की गई, वीवीपैट को भी
क्रॉस चेक करने का मौका नहीं दिया गया। बाबरिया ने अमित शाह पर तंज कसा और कहा कि अमित शाह जोर तोड़ की राजनीति में एक्सपर्ट हैं और मध्य प्रदेश में भी वे ऐसा करना चाहेंगे, पर हमारी सरकार मजबूती से चलेगी। M2 से M3 मशीन बनाते उसका एक ऐलान कर दिया। कोई आप इलेक्शन कमीशन से मुंबई हाईकोर्ट के भी कहीं जो आपको सोशल मीडिया में दिखते हैं क्लिप्स कि 9 लाख EVM मशीन जो है वो लापता है, वहाँ से निकलते हैं और स्टेट में या इलेक्शन कमीशन तक पहुँचते पहुँचते तो वह कहाँ जाते हैं। जो थियरी कई लोगों से जो मिलती है कि वो EVM मशीन भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थक लोगों के गोडाउन में जाती हैं, वहाँ से उसका जो है मैनिपुलेशंस किया जाता है, और ये M2 से M3 जब हुआ है तभी तो उसमें भी कोई हार्डवेयर डाल दिया गया है और एक बहुत पुरानी जो वॉर टाइम की टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी का ऑडियो सिग्नल से 350 से भी ज़्यादा मिलेंगी। कहता भी दीवाना है, सुनता भी दीवाना है। देर आर से रिपोर्ट्स की जो है ये शुजा भी क्लेम कर रहा है, इट इज़ रिक्वायरिंग द वेरिफिकेशन कि US में भी जो है ये इंडियन इलेक्शंस 2014 के जो हैक हुए थे उसके बारे में इवन US में भी जो है कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। EVM के मामले में लगातार इस प्रकार के जो आपत्ति खड़ी हो रही है दुनिया के सभी देशों ने। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जीतू पटवारी ने कहा ऑस्ट्रेलिया में 50 एग्जिट पोल फेल हुए हैं। हमारा देश विविधताओं वाला देश है, यहाँ एक ऑस्ट्रेलिया हर वर्ष पैदा होता है। पहले भी बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एग्जिट पोल गलत निकले। पोल के नतीजों को लेकर अगर हम सही तरीके से हमें याद करने की बात यह है कि बिहार में जिस तरीके का एग्जिट पोल आया वो किसी से छुपा हुआ नहीं था, बताया क्या और निकला क्या। ऐसे ही एग्जिट पोल जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के इलेक्शन हुए थे तो एक एग्जिट पोल की रिपोर्ट सही नहीं दिखी। मैं एग्जिट पोल के मामले में ये याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत विविधताओं का देश है, एक ऑस्ट्रेलिया हर साल यह पैदा होता है। इस तरीके के एग्जिट पोल पर सारी भरोसा नहीं किया जा सकता। 23 तारीख याद रहे आपको, 24 को बात करेंगे, बीजेपी जाएगी, नई सरकार आएगी। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आक्रोशित हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस एमपी को पश्चिम बंगाल बनाने पर तुली हुई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थक कांग्रेस नेता ने रविवार शाम को भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी थी। रविवार शाम को सावरी विधानसभा क्षेत्र के पालिया गांव में कांग्रेस नेता ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यकर्ता नेमी चंद तंवर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और सावरी के कांग्रेस विधायक तुलसी सिलावट को चेतावनी दी कि वो हिंसा और हत्याओं को खेल मध्य प्रदेश की धरती पर ना शुरू करें। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या से गुस्साए शिवराज ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार से बौखलाई कांग्रेस मध्य प्रदेश को पश्चिम बंगाल बनाने पर तुली है, हार से बौखलाकर कांग्रेस का हिंसा का सहारा ले रही है। कांग्रेस मध्य प्रदेश को पश्चिम बंगाल बनाने पर तुली हुई है और आज सुनिश्चित है इससे बौखलाकर हिंसा का सहारा ले रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है सावेर विधानसभा के पालिया गांव में, जहाँ हमारे एक गरीब कार्यकर्ता जो समर्पित कार्यकर्ता थे नेमी चंद तंवर, उनको केवल इसलिए गोली मार दी गई, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी का काम किया, उनकी दुखद मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी घायल है, उनके बच्चे घायल है, और इसलिए मैंने फैसला किया कि अपने गरीब कार्यकर्ता के घर में जाऊंगा, परिवार को ढाढ़स बंधाऊंगा, लेकिन मैं मुख्यमंत्री को और तुलसी सिलावट जिन्हें गुंडागर्दी करवाई है उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि हत्याओं का खेल, हिंसा का खेल मध्य प्रदेश की धरती पर आरंभ न करें। मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है हमेशा से। शिवराज सिंह ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि यह सब
ठीक नहीं है। एमपी हमेशा से ही शांति का टापू रहा है, ऐसे में जो भी लोग इस हत्या में शामिल हैं उन्हें पुलिस तत्काल गिरफ्तार करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाजपा प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। इतना नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सांवरे के पालिया गाँव में हमारे कार्यकर्ता को कांग्रेस नेता ने सिर्फ इसीलिए गोली मार दी क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट दिया था और पार्टी के लिए काम किया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर कहा कि कांग्रेसियों के इस कृत्य से बीजेपी डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। पालिया में भाजपा कार्यकर्ता नेमी चंद तवर की हत्या ने मध्य प्रदेश की राजनीति को हिला दिया है। हत्या के मामले में भाजपा नेता राकेश सिंह ने कहा, बीजेपी इस तरह की राजनीति का विरोध करती है और कांग्रेस के इस कृत्य से डरने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, एक के बाद एक लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले और उनकी हत्याएं हो रही है। कांग्रेस को लगता है कि ऐसा करके ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा सकते हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा नहीं पाएंगे। सरकार का फायदा उठाकर सरकार की ताकत से आप, हो सकता है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर जो आक्रमण हो रहे हैं उन पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से आप रोक लें, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी की ताकत कम नहीं होगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इंदौर में सांवेर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता के पिता, जो स्वयं भी पार्टी में सक्रियता के साथ काम करते थे, श्री नेमी चंद जी, उनकी हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ वोट दिया बल्कि कांग्रेस की उस गुंडे के सामने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है। और जिसका दुष्परिणाम हुआ, उनके घर में घुसकर न सिर्फ उनकी हत्या की गई बल्कि उनकी पत्नी, बेटे और भाई को भी चोट पहुंचाई गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस की सरकार को हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल लोकसभा सीट पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने बयानों से कई बार सियासी विवाद खड़े किए। कभी पार्टी ने सफाई दी तो कभी वो खुद को बेदाग बताने के लिए सामने आई। बात इतनी बढ़ी कि चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर ही रोक लगा दिया। फिर उन्होंने गोडसे पर बयान दे दिया तो पार्टी ने उन्हें मुंह बंद रखने की नसीहत दी। अब प्रज्ञा ने 21 प्रहर का मौन व्रत रखा है और कहा, मैं कठोर तपस्यारत हो रही हूँ। साध्वी प्रज्ञा ने ट्वीट किया, वे 21 प्रहर का मौन व्रत रख रही हैं, कठोर तपस्यारत हैं। साध्वी ने यह नहीं लिखा कि कठोर तपस्या क्या है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या करने वाले गोडसे को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने देशभक्त करार दिया था। उनके इस बयान के बाद पार्टी मुश्किल में घिर गई थी। दबाव बढ़ने पर साध्वी को माफी मांगनी पड़ी थी। अब जबकि चुनाव खत्म हो गए तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों से समस्त देश भक्तों को यदि ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूं और अब वे 21 प्रहर का मौन रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर दिए गए विवादित बयानों पर कड़ा एतराज जताया था और कहा था कि मैं चाहूं भी तो साध्वी को मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
सोशल मीडिया के कारण लोगों में जबरदस्त जागृति आई है। लोग अब सांसद तक से सीधे सवाल करने लगे हैं। रतलाम में तो सांसद और कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया से एक मतदाता ने सीधे सवाल किए और उनकी बोलती बंद कर दी। मध्य प्रदेश के रतलाम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक युवक मतदाता ने सांसद कांतिलाल भूरिया से सवाल जवाब करते हुए नजर आ रहा है। युवक ने पूछा कि 10 और 15 साल बाद दिखाई दे रहे हो, और सांसद की उपलब्धियों के बारे में पूछने पर कांतिलाल भूरिया ने जवाब दिया कि मैंने रोड बनवाया, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो वो हमने बनाया है। वही युवक ने अपने आप को अनपढ़ बताया और कहा यह आपका संसदीय क्षेत्र है और इसका विकास नहीं हो पाया, इसलिए हम मजदूरी करने गुजरात जाते हैं। ये सर आपकी उपलब्धि है, आपकी एक उपलब्धि, ये रोड पे चल रहे किसके मैंने बनाया है, ताला मैंने बनाया, स्कूल ये मैंने बने बनाई, जी सर स्कूल मेरी बनाई हुई है, जी सर सारी चीजें पढ़ने की। 10-15 साल बाद दिख रहे, तो इसलिए पूछ लिया। तू जाने कहां घूम रहा होगा। नहीं सर, मजदूरी करते नहीं सर, गुजरात हम लोग यही रहते हैं। नहीं सर, आपका संसदीय क्षेत्र है इसलिए यहाँ विकास नहीं हुआ, इसलिए मजदूरी करने जाते हैं। जी सर, आपका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ विकास नहीं हुआ, इसलिए मजदूरी करने जाते हैं गुजरात। हम जाते ना सर, तो इसलिए तो आपने हफ्ते यहाँ रहते ना सर, आपका विकास नहीं कर सके ना आप, इसलिए तो पूछ रहे हैं। जी सर धन्यवाद। साइबर क्राइम पुलिस ने भारतीय नागरिकों से ठगी करने वाले नाइजीरियन दंपति को गिरफ्तार किया। इस दंपति ने भोपाल की महिला से 10 लाख की ठगी की थी। भारतीय लोगों को ठगने वाले नाइजीरियन दंपत्ति साइबर क्राइम पुलिस के हाथ लग गए हैं। ये दंपत्ति पिछले 1.5 साल पहले मेडिकल वीजा पर आए थे, उसके बाद उन्होंने भारतीय लोगों को ठगने का प्लान बनाया और ठगी की वारदातों को अंजाम देने लगे। ये दोनों फेसबुक पर लोगों से दोस्ती कर उन्हें अपना शिकार बनाते थे। कस्टम विभाग से गिफ्ट छुड़ाने के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठ कर ठगी किया करते थे। इनके पास 15 मोबाइल फोन, पासबुक, लैपटॉप, सिम, विदेशी करेंसी, 17 क्रेडिट और डेबिट कार्ड बरामद किए गए। इनसे अभी तक करोड़ों की ठगी का खुलासा हो चुका है। डीजी साइबर सेल राजेश गुप्ता ने जनता से अपील की है, सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल और ऐसे लोगों से सावधान रहें। भोपाल की एक महिला थी जिसको कि फेसबुक के थ्रू उससे दोस्ती करी गई, और दोस्ती करने के बाद जो है धीरे धीरे उन्होंने बताया कि आपका एक गिफ्ट आया है और वो गिफ्ट आपको मिलने वाला है। जब गिफ्ट की बात बताई तो बताया गया कि गिफ्ट जो है वो कस्टम के अंदर रुका हुआ है, जो स्टैंडर्ड टेक्निक है, और इसके अंदर विदेशी मुद्राएं हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, इसलिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। ऐसा बोल के 3 बार में उससे 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कराए गए 3 अलग अलग खातों। इसमें से 2 खाते लखनऊ के थे और 1 खाता दिल्ली का था। और बाद में जब इनको शंका हुई तो इन्होंने पुलिस के अंदर कंप्लेंट करी, और हम लोगों ने, क्योंकि ये विदेशी दंपति था, तो इस तक पहुंचने में हमको काफ़ी परेशानी आई कि सारे इनके जो क्लूज थे वो एक जगह पे आके बंद हो जाते थे, और यहाँ पे इनसे एक छोटी सी चूक हो गई, और उस चूक के सारे से हम कह सकते हैं कि साइबर चूक हो गई। तो ये विदेशी सिम यूज़ करते थे, डोंगल यूज़ करते थे, और हमने जो अलग अलग खातों में जो पैसा जमा कराया वहाँ से हमको एक कॉमन आईपी एड्रेस निकला, जिससे हम इस बात तक पहुँच पाए कि इस प्रकार के कुछ लोग इसके अंदर इन्वॉल्व। और ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि जो उनका डोंगल था वो डोंगल बीच में कुछ समय बंद हो गया, तो जो किसी वाईफाई से उन्होंने उसे एक्सेस कर लिया, और वाईफाई क्योंकि प्रोटेक्टेड नहीं था, तो उसमें जो ये महिला थी, जो दंपति थी, उसकी महिला का पासपोर्ट की डिटेल आ गए, और इस कारण से हम उनके पास तक पहुँच पाने में सफल हुए। तो इनको अभी हमने हाल दिल्ली से अरेस्ट किया है और अभी रिमांड पे हमने लिया है। दुबई से भोपाल में करोड़ों का क्रिकेट सट्टा चलाने वाले सट्टा किंग गिरीश तलरेजा पुलिस हिरासत में है। गिरीश तलरेजा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था, जिसके बाद उसको मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। तलरेजा पर भोपाल में IPL सट्टा खिलाने का आरोप है। सट्टे में भोपाल के बड़े व्यापारी भी शामिल है। कई दिनों से फरार सट्टा किंग गिरीश तलरेजा को ट्रांजिट रिमांड पर भोपाल लाया गया है। तलरेजा पर भोपाल के कोलार थाने में IPL में सट्टा खिलाने का आपराधिक मामला दर्ज है।
बताया जा रहा है कि तलरेजा दुबई में बैठकर भोपाल में करोड़ों के सट्टे का संचालन किया करता था। पुलिस की माने तो यह पहला अवसर है जब भोपाल में क्रिकेट के सट्टे में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि पिछले दिनों पुलिस ने भोपाल में आईपीएल सट्टे का भंडाफोड़ किया था, जिसमें भोपाल में 7 व्यापारियों के पास से लगभग 25 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। पैसों का हिसाब न दे पाने के बाद व्यापारियों ने पूछताछ में गिरीश तलरेजा का नाम सामने लाया था, जिसके बाद तलरेजा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। तलरेजा को मुंबई एयरपोर्ट पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तार कर मुंबई पुलिस को सौंप दिया था। अब भोपाल पुलिस तलरेजा को भोपाल ले आई है। तलरेजा के भोपाल पहुंचने से पहले ही उसकी जमानत की कोशिश शुरू हो गई है। गिरीश के भोपाल आने के बाद शहर के कई व्यापारी कोलार थाने के बाहर भी नजर आए हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। एक बार फिर साबित हो चुका है कि योग्यता किसी चीज की मोहताज नहीं होती। एक ऐसा ही मामला भोपाल के रातीबड़ में देखने को मिला, जहां चाय की दुकान चलाने वाले और गाड़ियों को सुधारने वाले मैकेनिक शिव शंकर शर्मा की बेटियों ने उनका नाम रोशन कर दिया। शिव शंकर शर्मा की बड़ी बेटी शिवानी शर्मा ने 12वीं में 93.4% अंक हासिल किए, वहीं उनकी दूसरी बेटी तेजस्वनी शर्मा ने 10वीं के एग्जाम में 96% से अधिक अंक लाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि लगन और मेहनत से पढ़ाई करने वालों के लिए अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। योग्यता अमीरी और गरीबी का भेद नहीं करती है। एक मैकेनिक की बेटियों ने उसका नाम रोशन कर दिया। होनहार छात्रा के पिता शिवशंकर शर्मा ने अपनी बेटियों को पढ़ने में होनहार बताया और कहा कि मेरी 5 बेटियां पढ़ने में होशियार हैं और मेरी 4 बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। मेरी बड़ी बेटी शिवानी शर्मा ने 12वीं में 93.4% अंक प्राप्त किए और मेरी दूसरी बेटी ने 10वीं में 96% से हासिल किया है। उन्होंने बताया कि मेरी बड़ी बेटी आईआईटी की कोचिंग की बोल रही है, लेकिन मैं खर्च उठाने में असमर्थ हूँ और उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। यहाँ गाड़ी की रिपेयरिंग का काम करते हैं। मेरी 5 बेटियाँ हैं जो पढ़ने में काफ़ी होशियार हैं और अच्छे नंबर पास हुई हैं। सरकारी स्कूल में है, 4 बच्चे नवीन स्कूल है सरकारी जो तुलसी नगर में स्थित है। और मेरी जो बड़ी बेटियाँ हैं योजश्री शर्मा, ये जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवगढ़ में पढ़ी है, 12वीं से पास कर ली। इसमें 93% है इसका और अभी आईआईटी का कोचिंग करने की बात कर रही है, जिसमें करीब 1,20,000 रुपये खर्च हो रहा है, जो मैं असमर्थ हूँ ये खर्च उठाने में। यदि सरकार कुछ मेरी मदद करे तो मेरे बच्चों को आगे और आगे तक पढ़ाने के लिए हिम्मत कर सकता हूँ। होनहार छात्रा शिवानी शर्मा ने बताया कि मैंने नवोदय स्कूल से पढ़ाई की है और 12वीं में 93.4% हासिल किए हैं और मेरे पिता की चाय की दुकान है और साथ ही गाड़ी सर्विस का काम करते हैं। मेरी 5 बहनें भी हैं। पढ़ाई के साथ हम लोग पिता की मदद भी करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ हैं जर्जर भोपाली, जो आपको सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई जरा टीवी से है ना, इधर आ जाओ। एग्जिट पोल बहुत देख लिया, वो तो लपक के एनडीए के पक्ष में आया, वो बता रहा हूँ। ऐसा अभी मोदी जी तपस्या करने गए थे, उसका फल मिल गया इतनी जल्दी, और डिलीवरी बहुत जल्दी हो गई भोले बाबा के यहाँ, बता रहा हूँ। ये तो चल लिया है। और इस पे जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो है ना पूरे विपक्ष के ये करने में लोग लगे हुए हैं, ये छुक छुक करके रेल बना रहे हैं। कभी राहुल से मिलते हैं, कभी उससे मिलते हैं, कभी अखिलेश से मिलते हैं। और मैं बता रहा हूँ, रेल तो बन जाएगी इनकी, इंजन तो कहाँ से लाओगे, इंजन तो लाओ भैया। हाँ, ये तो ये जो एग्जिट पोल है, इंजन दिख नहीं रहा मेरे को इसमें। हाँ, और कमलनाथ का कहना है कि मध्य प्रदेश में इनको 20 से 22 सीटें मिलने वाली हैं। इस पर कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं ठीक है मिल जाएंगी, लेकिन ये कमलनाथ भी 20-22 दिन के मुख्यमंत्री बचे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इनकी कुछ प्लानिंग चल रही है। हाँ, और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये कह रहे हैं कि सिद्धू है ना सीएम बनना चाहते हैं। और मैं बता रहा हूँ, सिद्धू जाने क्या क्या बनना चाहते हैं। ये कॉमेडी सर्कस से जब से निकले हैं, इनको राजनीति में कॉमेडी लग रही है, बता रही हूँ। ये राजनीति बहुत ही गंभीर चीज़ है भाई।
हैं, कुछ भी स्टेटमेंट देते रहते हैं, कभी इसको देशद्रोही बोल रहे हैं, कभी उसको, इनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, इनका ऑपरेशन वगैरह करवाओ, दिखवाओ अंदर इनके दिल में है क्या, चल क्या रहा है, बता रहे हूँ। हाँ, और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सुझाव दे रहे हैं कि चुनाव इन्हें 2-3 चरणों में होने चाहिए, ये तो अच्छी बात है। वो कह रहे हैं लेकिन फरवरी मार्च में होने चाहिए, मैं कह रहा हूँ फरवरी मार्च में अगर होंगे तो बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दो, बेचारे बच्चे पढ़ाई का टाइम रहता है उस समय, पढ़ाई कब करेंगे, ये तो चल जाए। और मैं बता रहा हूँ अभी 2-3 दिन में ये खबर आई है कि टेम्परेचर बढ़ने वाला है, और मैं बता रहा हूँ 23 तारीख को तो ये ऐसा टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ़ के भाव बढ़ने वाले हैं, बर्फ़ की सिल्लियाँ ले लेके बैठेंगे नेता लोग, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये तो चल जाए। हाँ, और ये खबर देखो पाकिस्तान में, ये खबर देखो पाकिस्तान में कितनी महंगाई बढ़ गई है, 400 रुपये किलो है ना वहाँ सेब मिल रहे हैं, और 360 रुपये किलो संतरे, और हमसे दुश्मनी बोल ले लो, बता रहे हो प्रेम से रहो तो सब कुछ अच्छा चलेगा, गरीबी में आटा गीला हो रही है। हाँ, और ये खबर इधर पे देख लो, जापान में है ना बुजुर्गों को, है ना 75 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको विवाहों की तरह नौकरियाँ दे रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, बताओ उनको जीवन जीने की एक प्रेरणा दे रहे हैं, और हमारे यहाँ तो ये जैसे रिटायर हुआ आदमी उसको ये किसी काम का नहीं समझते, बता रहे हो, ये तो चल रहा है। और ये खबर अभी अभी आई है मेरे पास, प्रज्ञा भारती मौन व्रत कर रही हैं, मुझे लगता है इन्हें बहुत देर कर दी मौन व्रत करने, पहले ही से शुरू हो जाती तो अच्छा रहता, ये सब झगड़े जाते हैं लफड़े अपड़े जो शुरू हुए हैं, जो इनके स्टेटमेंट आए कंट्रोवर्शियल वो नहीं होते, मौन व्रत तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और मुझे लगता है मैंने भी है ना बहुत बक लिया, मैं भी जा रहा हूँ मौन व्रत करने। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।